से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेशन नंबर 16 कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है बेसिकली दैट इज डिपेंड ऑन एक्सेल, कि हम एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक्सेल का आज हमारा सेशन नंबर कौन सा हो गया, 16। आई होप दैट कि आपने सारे जितने भी सेशंस हैं उनको ध्यान से पढ़ा होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। तो हर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एक्सेल्स। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हर सेशन को अच्छे से करें और उसकी प्रैक्टिस भी करें। तो नाउ जो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ अबाउट स्ट्रिंग फंक्शन से रिगार्डिंग है। तो स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे आपका नाम सपोज अमित है, तो अमित के अंदर 4 करेक्टर्स हो गई, AMIT। तो दैट इज कम्बाइंड, जब ये वर्ड हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से अलग होता है विद द हेल्प ऑफ स्पेस, यानी हम स्पेस से अलग कर सकते हैं, या फिर आप उसको जैसे कुछ स्पेशल करेक्टर्स आते हैं लाइक डॉट है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, उनसे हम एक स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो नाउ कुछ फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग में हमारे पास यूज होंगे। जैसे फर्स्ट वन इज कॉनकनेक्ट फंक्शन है। कॉनकनेक्ट फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में कंबाइंड करने का काम करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये फंक्शन क्या काम करेगा, इट कंबाइंड टू और मोर स्ट्रिंग वैल्यूज, यानी दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग वैल्यूज को अगर आपको कंबाइंड करना है, देन वी आर यूजिंग द स्ट्रिंग फंक्शंस। अपर फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, लोअर उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा, लेंथ में आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी करेक्टर इन द स्ट्रिंग। लेफ्ट और राइट फंक्शन क्या करते हैं, नंबर ऑफ करेक्टर को सेपरेट करने का काम करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, कि आप जितने भी करेक्टर आपको अलग करने हैं, वी कैन सेपरेट द करेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट और राइट हैंड साइड। फाइंड, वी कैन फाइंड एनी करेक्टर, कि किसी भी वर्ड में से अगर कोई करेक्टर ढूंढना चाहते, उसकी पोजीशन गेट करना चाहते कि दैट एक स्पेसिफिक करेक्टर किस पोजीशन पे है, देन वी आर यूजिंग द फाइंड। एंड रिप्लेस का मीनिंग क्या होता है, कि वी कैन चेंज द स्पेसिफिक करेक्टर इन ए स्पेसिफिक पोजिशन, कि अगर कोई भी करेक्टर को किसी भी स्पेसिफिक पोजिशन से चेंज करना आपको, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, रिप्लेस। ट्रिम आपका दोनों साइड के स्पेसेस इग्नोर करने का काम करता है, यानी दैट रिमूव व्हाइट स्पेसेस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मान लो आपने गैप डाल दिया मान लो स्ट्रिंग के बीच में, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी, तो उसको हटाने के लिए बेसिकली किसका यूज किया जाता है, ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। एंड कैर, कैर बेसिकली क्या करता है कि आपके जो वैल्यू रिटर्न करता है एस्काई नंबर को, मतलब जो एक नंबर वैल्यू है उसको करेक्टर में चेंज करता है। तो ये जो वैल्यू आती हैं वो 0 to 255 के बीच में होती हैं। एस्काई वैल्यूज के बारे में आपको पता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब कंप्यूटर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं दैट इज डिपेंड ऑन द एस्काई। तो नाउ अब हम आगे इसका प्रैक्टिकल सेशन करते हैं कि हाउ टू यूजिंग दैट वन फंक्शंस। तो फर्स्ट वन फंक्शन हमारे पास कौन सा था, कॉनकनेक्ट फंक्शन। तो मान लीजिए हमारे पास एक इस टाइप की एक सीट है, मान लो किसी स्कूल से रिगार्डिंग है, तो आप स्टूडेंट्स का रोल नंबर डाल देते हैं, देन असाइन द फर्स्ट नेम, क्या फर्स्ट नेम डाल देंगे यहाँ पे, एंड देन असाइन द लास्ट नेम। अगर हमें दो स्ट्रिंग को यहाँ पे कंबाइंड करना, मीन्स यहाँ पे एक अपने फील्ड बना दिया नेम के नाम से, मान लीजिए रोल नंबर 1 डाल दिया आपने, पहला नाम अमित ही डाल दिया और दूसरा नाम डाल दिया मान लीजिए आपने कुमार। नाउ अब हमें दोनों नाम को कंबाइंड करना है, तो जब भी आप कंबाइंड करते हैं तो फर्स्ट वन, जब भी स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट वन यूजिंग इक्वल सिंबल एंड देन यूजिंग द कॉनकनेक्ट फंक्शन। कॉनकनेक्ट फंक्शन में जाकर के आप यहां पे फर्स्ट वन नेम डाल दीजिए, फर्स्ट वन सेल एड्रेस क्या हो गया B2, देन कॉमा यूज करिए। अगर आपको बीच में स्पेस यूज करना है देन डबल कोट्स में आप इसका क्या असाइन कर सकते हैं, स्पेस असाइन कर सकते हैं, देन कॉमा और फिर अगला सेल एड्रेस। ऐसे जितने भी वैल्यूज हैं आप उनको एक एक करके कंबाइंड कर सकते हैं, तो बहुत इजी फंक्शन है, तो यहाँ पे आप यूज करिए। एंड देन अगर यही फंक्शन नीचे तक ड्रॉप करने तो सेलेक्ट करके और क्या प्रेस कर देंगे, कंट्रोल के साथ D प्रेस कर दो, तो ये फंक्शन नीचे तक अप्लाई हो जाएगा। तो आप अगर जैसे यहाँ वैल्यू डालते हैं, जैसे वैल्यू डालते जाइए, ठीक है, तो कोई भी नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिलता रहेगा।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन. अब हम सेकंड फंक्शन यूज़ करते हैं. जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास लेफ्ट फंक्शन है. लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है कि आप नंबर ऑफ करेक्टर्स को अलग कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. तो इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन यूज़ करिए. अब लेफ्ट फंक्शन में जो भी जैसे नेम आपका, जैसे B2 में आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और कोमा करके नंबर ऑफ कितने करेक्टर आपको अलग करने हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड के दो करेक्टर आपको अलग करने हैं, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, A और M. तो इस तरीके से आप अपने दो करेक्टर को, स्टार्टिंग के दो करेक्टर को रिटर्न कर सकते हैं. ऐसे ही नेक्स्ट वन फंक्शन है राइट. राइट फंक्शन से राइट के नंबर ऑफ करेक्टर को अलग किया जा सकता है. तो यूजिंग द राइट एंड अगेन असाइन द स्ट्रिंग वैल्यूज एंड कोमा करके जितने भी करेक्टर आपको अलग करने हैं वो यहां से अलग कर सकते हैं. अब यही फंक्शन अगर नीचे तक ड्रॉप करने हैं तो सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दीजिए. अब जैसे खाली नेम डालते जाएंगे यहां पे, जैसे ललित सैनी, देन वी कैन सेपरेट दैट वन करेक्टर. ठीक है, तो दैट इज अवर सेशन कि हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग सेशन यूज कर रहे हैं इसमें हमने कुछ फंक्शन यूज किए हैं लाइक कॉन्कनेक्ट लेफ्ट राइट. नाउ यूजिंग द लेंथ फंक्शन कि हाउ टू वी कैलकुलेट द लेंथ. तो जब भी लेंथ निकालेंगे तो एक फंक्शन यूज होता है LEN. LEN फंक्शन बेसिकली क्या करता है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मान लो आपका D2 में स्ट्रिंग वैल्यू है तो D2 आप डाल देते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसमें अगर आपने बीच में स्पेस डाला हुआ तो वो स्पेस भी काउंट होगा. अगर आपने नाम जैसे गलती से यहां ऐसे डाल दिए, जैसे सपोज करिए जैसे 4 नंबर, जैसे यहां कुछ स्पेस आ गया मान लीजिए और आपने यहां पे नाम डाल दिया गगन, एंड गगन के बाद कुमार डाल दिया आपने और लास्ट में स्पेस डाल दिया मान लीजिए, तो यहां पे अगर आप लेंथ देखोगे, देखो तो कितने करेक्टर हो गए, 17. अब यहां पे देखोगे आप तो लेफ्ट में आप देखो यहां पे कोई भी आपको नेम शो नहीं हो रहा है. राइट में आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या वैल्यू आ रही है, ए और एन वैल्यू आ रही है. तो इस तरीके से आपने यहां पे एक स्ट्रिंग फंक्शंस में, मतलब आपने जो क्या यूज किया, स्पेस डाल दिए. तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है देन यहां पे एक फंक्शन यूज करोगे ट्रिम. अब ट्रिम फंक्शन क्या करता है, वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है. तो ट्रिम फंक्शन डाल दीजिए. अब ट्रिम में किसके वाइट स्पेसेस रिमूव करने हैं, जो भी नाम आपके पास है उसके वाइट स्पेसेस रिमूव करना चाहते हैं तो उसके वाइट स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं. तो यहां अगर आप नीचे तक आओगे तो सबके वाइट स्पेसेस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे. ये देखिए, ठीक है, जैसे हमने गगन में वाइट स्पेसेस डाले थे तो वो क्या हो गई, यहां से रिमूव हो गई. अब आप स्ट्रिंग के साथ लेफ्ट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं. मतलब पहले आपने स्ट्रिंग यूज किया, अब मान लो आपको लेफ्ट फंक्शन यूज करने, तो इससे पहले लेफ्ट फंक्शन भी, मतलब दो फंक्शंस को इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं हम. लेफ्ट पहले ट्रिम यूज किया एंड देन नंबर ऑफ करेक्टर को अलग किया. तो इससे आपका क्या होगा कि अगर आपने बाय चांस वाइट स्पेसेस भी डाल दिए तो वाइट स्पेसेस पहले रिमूव हो जाएंगे एंड देन आपका करेक्टर गेट हो जाएगा वहां पे. ऐसे आप ये ट्रिम फंक्शन लेफ्ट में भी यूज कर सकते हैं, राइट में भी यूज कर सकते हैं. तो आपको मतलब खाली एक फंक्शन यूज नहीं करना है, उन फंक्शंस के साथ दूसरे फंक्शंस को कंबाइंड करके देखना है कि हाउ टू यूज कंबाइंड दैट वन फंक्शंस, कि आपने दो फंक्शंस यहां पे इकट्ठा कैसे किए. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. अब मान लीजिए एक और सीट बनाते हैं यहां पे हम, जैसे मान लीजिए एक नई सीट में आ गए. मान लीजिए यहाँ पे जैसे इस टाइप के एक फील्ड है, जैसे कि आपको प्रोडक्ट कोड ऑटोमेटिकली गेट करना है, यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना प्रोडक्ट कोड. तो यहाँ पे मान लो आपने क्या डाल दिया, प्रोडक्ट का नेम डाल दिया, देन आफ्टर कलर डाल दिया एंड देन असाइन द कंपनी नेम. कलर हो गया और फिर कंपनी नेम हो गया. तो इस टाइप से आपने मान लो एक सीट बनाई हुई है. तो अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आपने वहाँ वैल्यू डाल दी, अब मान लीजिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट कोड ऑटोमेटिकली गेट करना है. जैसे प्रोडक्ट का नेम हो गया, जैसे सपोज डेस्कटॉप हो गया तो डेस्कटॉप डाल दीजिए, देन कलर नेम जैसे ब्लैक हो गया तो ब्लैक डाल दीजिए एंड देन असाइन द कंपनी नेम. कंपनी नेम मान लो सोनी डाल दिया आपने. देन हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट कोड में ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग के दो करेक्टर आने चाहिए कंपनी नेम के, तीन करेक्टर आने चाहिए प्रोडक्ट नेम के और दो करेक्टर स्टार्टिंग के आने चाहिए बेसिकली कलर के. और ये जो दो दो करेक्टर आप गेट कर रहे हैं बेसिकली, इनके बीच में हाइफन भी हमें ऑटोमेटिकली यूज करना है. तो कैसे यूज करोगे, इक्वल टू. अब देखिए कंबाइंड करना आपको फंक्शन, पहले कॉन्कनेट फंक्शन यूज करिए. तो पहले किसके करेक्टर आपको अलग करने हैं, देन अगेन यूजिंग द लेफ्ट.
मान लो डी टू के अलग करने हैं तो डी टू के कितने करेक्टर अलग करने हैं, टू करेक्टर अलग करने हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए कनकनेट और लेफ्ट दोनों फंक्शन कंबाइंड किए हैं, बीच में क्या लगा दोगे फिर हाइफन। अब हाइफन ऐसे नहीं लगेगा, डबल कोट्स में आपको हाइफन यूज़ करना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग वैल्यूज आप किस में असाइन कर सकते हैं, डबल कोट्स में। फिर आपको प्रोडक्ट नेम के करेक्टर उठाने हैं तो फिर से यूज़ करिए लेफ्ट फंक्शन। अगेन असाइन किसके हैं, जैसे बी टू के हैं तो बी टू के कितने करेक्टर अलग करने हैं, फिर से टू। देन अगेन असाइन द हाइफन, देन अगेन यूजिंग द लेफ्ट। अब देखो बार बार वही फंक्शन रिपीट हो रहे हैं और आपको वैल्यूज कंबाइन करके इस टाइप से शो करनी है, कितने करेक्टर अलग करने हैं, टू करेक्टर अलग करने हैं। तो इस टाइप से आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो दैट इज अवर प्रोडक्ट कोड जो ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा है आपके पास। तो अगर आप इस फंक्शन को नीचे तक ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, तो खाली आप क्या डाल दे जाओगे यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम डाल दे जाइए जो भी आपका प्रोडक्ट नेम है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट कोड मिल जाएगा। जैसे लैपटॉप हो गया, देन आफ्टर कलर हो गया उसका, एंड देन कंपनी नेम हो गई। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका क्या यूज हो गया, प्रोडक्ट कोड तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स इस सेशन में मतलब जो बाकी चीज़ें हैं वो अगली क्लास में हम यूज़ करेंगे। आपको बेसिकली देखिए हर उसके एक को बेसिकली फंक्शंस यूज़ करने आनी चाहिए कि हाउ टू यूजिंग दैट वन फंक्शंस। और ये कहीं भी आप कंपनीज वगैरह में जाते हैं ये बहुत यूजफुल फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के। तो इस सेशन का हम नेक्स्ट वन जो पार्ट है वो अगले सेशन में कवर करेंगे स्ट्रिंग के ही। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन बी यूजिंग द सेशन नंबर 16 की प्रैक्टिस करिए। तो ये हमारा कौन सा सेशन हो गया, सेशन नंबर 16।